हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये है मेघलो का पार्ट 3। तो अगर आप लोगों ने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। पहले 2 पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर आइए आगे की कहानी सुनिए। विशाल ने कहा, अंजलि, ये प्लेन नीचे गिरते ही ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए तुम नीचे कूद जाओ, वरना हम दोनों ही नहीं बचेंगे। अंजलि ने कहा, नहीं, पहले तुम कूद जाओ, फिर मैं आती हूँ। विशाल ने कहा, ये गलत है। अंजलि ने कहा, कूद जाओ विशाल। अभी विशाल आगे कुछ कहने वाला था, तभी अंजलि ने विशाल को धक्का दे दिया और इस वजह से विशाल नीचे गिर गया। उस प्लेन का वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए विशाल से पहले वो नीचे गिर गया। और कुछ देर बाद विशाल एक जंगल के अंदर गिर गया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये सब देखकर विशाल सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है, यहाँ की जमीन एकदम सॉफ्ट लग रही है, शायद इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं अंजलि किस हाल में होगी और पता नहीं उस प्लेन का क्या हुआ होगा। अभी विशाल कुछ और सोचने वाला था, तभी उसे एक उड़ने वाला घोड़ा दिखा, जो देखकर विशाल सोच में पड़ गया, आखिर ये फ्लाइंग हॉर्स यहाँ क्या कर रहा है, ये कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, आई थिंक ये पृथ्वी नहीं हो सकती, लगता है मैं किसी और प्लेनेट पर आ गया हूँ। विशाल आगे सोचने लगा, आखिर ये कौन सा प्लेनेट है, सेम हमारे पृथ्वी की तरह लेकिन थोड़ा अलग है। अभी विशाल आगे चल ही रहा था, तभी उसने सामने देखा, वो देखकर विशाल बहुत डर गया, क्योंकि उसके सामने ही उसका बनाया हुआ प्लेन ब्लास्ट होकर जल रहा था। वो देखकर विशाल रोने लगा, क्योंकि उसने बचपन से जो सपना देखा था उसके सामने वो जल रहा था। उसके बाद वो प्लेन के चारों तरफ अंजलि को ढूंढने लगा, लेकिन वो समझ चुका था कि प्लेन के साथ साथ अंजलि भी नहीं बच पाई है। वो देखकर विशाल सोचने लगा, मुझे ये प्लेन बनाना ही नहीं चाहिए था, आज मेरी वजह से अंजलि की मौत हो गई है और उसके लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचकर विशाल आगे जाने लगा। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर आ गई और विशाल को अरेस्ट करके लेकर गई। रास्ते में विशाल उस ऑफिसर से बहुत कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस ऑफिसर ने उसका कोई भी जवाब नहीं दे दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में आ गए। उसके बाद उस ऑफिसर ने विशाल से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि वो कौन है। इस पर विशाल ने कहा, मैं विशाल हूँ। ऑफिसर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? विशाल ने कहा, जी मैं मुंबई से आया हूँ। ऑफिसर ने कहा, इसका मतलब तुम पृथ्वी लोक से आए हो। विशाल ने कहा, क्या है पृथ्वी? नहीं है तो ये कौन सा प्लेनेट है? ऑफिसर ने कहा, सवाल पूछना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। ऑफिसर ने आगे कहा, इसका मतलब तुम्हें जासूस हो और तुम्हें पृथ्वी वालों ने यहाँ पर भेज दिया है। विशाल ने कहा, नहीं मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा कीजिए। ऑफिसर ने कहा, थोड़ी देर बाद हमारे प्रेसिडेंट यहाँ आएंगे, फिर तुम उन्हें सब कुछ बता देना। उसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चली गई और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक लड़की आ गई। उसे देखकर विशाल ने कहा, आप लोग कौन हो और मुझे ऐसे जेल में क्यों बंद किया है, ये सब क्या हो रहा है, कहाँ हो मैं?
उस लड़की ने कहा, देखो विशाल, तुम सच बता, तुमने किसे भेजा है? विशाल ने कहा, प्लीज़ मेरा यकीन करिए, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था, इसलिए मैं गलती से आपके प्लैनेट पर गिर गया हूँ। विशाल की ये बात सुनकर उस लड़की ने कहा, डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम जासूस नहीं हो, इसलिए मैं बहुत जल्द ही हम तुम्हें पृथ्वी पर वापस भेज देंगे। विशाल ने कहा, लेकिन आप कौन हो? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम है पारो और मैं इस दुनिया की प्रेसिडेंट हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। विशाल ने कहा, अच्छा तो आप प्रेसिडेंट हो, लेकिन ये प्लैनेट कौन सा है? इस पर पारो ने कहा, ये कोई प्लैनेट नहीं है। विशाल ने कहा, तो ये क्या है? पारो ने कहा, ये मेघलोक है, हमारी दुनिया। विशाल ने कहा, पर ये मेघलोक क्या होता है? पारो ने कहा, मेघलोक का मतलब बादलों पर रहने वाले इंसान। विशाल ने कहा, क्या आप इंसान हो? पारो ने कहा, हाँ, लेकिन पृथ्वी लोक से अलग। तो दोस्तों, ये तो था मेघलोक का पार्ट 3। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और आप आगे भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को, जो कि है द क्रीपी शो हिंदी, इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।